हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कढ़ी विथ पकौड़ा। कढ़ी विथ पकौड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, और ये हमारे ये पास 2-3 दिन की खट्टी दही हो चुकी है, इसलिए इसको डालेंगे। सूखे मसाले में थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी जीरा, थोड़ी मेथी के दाने तड़के के लिए, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, एक कड़ी पत्ता, गार्निश के लिए धनिया और लाल मिर्च का पाउडर, और ये थोड़ी सी हींग, और थोड़ी ये गरम मसाला। तो चलिए हम पहले पकौड़े का घोल तैयार कर लेते हैं। और एक हम तड़के में अनियन, 1 मीडियम साइज का प्याज हमने बिल्कुल बारीक काट लिया, तड़के में डालेंगे। हमने इसमें बेसन को पहले ले लेते हैं 1 कप। डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कितने फैमिली हैं, कितने कढ़ी बनाना है आपको। ये तकरीबन 4 आदमी के लिए तो बना ही रही हूँ पकौड़े के लिए। इसमें हम थोड़ी सी नमक डालेंगे, कम डालेंगे इस वक्त क्योंकि कढ़ी में डालेंगे, और ये थोड़ी सी अजवाइन। इतना पानी डालना है कि एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। थोड़ी कम कम पानी डाल के पहले घोल के देख लें और लगेगी तो, और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब आप घोल को तैयार कर लेंगे तो ये थोड़ी सी अपने आप में थोड़ी देर के बाद मेल्ट हो जाती है। ये देखिए कुछ इस प्रकार आपको घोल तैयार करना है। और हम इसमें बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे, ना ही सोडा डालेंगे। इसको हम इतना फेंटेंगे, चाहे तो आप विस्कर से फेंट लीजिए, चाहे तो स्पून की सहायता से फेंट लीजिए। इतना फेंटेंगे इसको, इसका जब आप ज़्यादा फेंटेंगे ना, ये पीली कलर से ये वाइट कलर आ जाएगी, क्रीमी उसका टेक्स्चर आ जाएगी। उसके बाद आपको बताएंगे पानी में चेक करके कि हम कैसे कढ़ी, मेरा परफेक्ट कढ़ी बन सकती है। देखिए इसका कलर जो है, आप देख पा रहे हैं कितना क्रीमी से हो गया है। देखिए, अच्छा ध्यान रहे, आप एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है, थोड़ी टाइम लगे। अब पता कैसे चलेगा कि हमारी कढ़ी जो है, जब हम पकौड़ा बनाएंगे तो ये अच्छा परफेक्ट स्पंजी बनेगा। आइए चेक करते हैं। इसमें हमने एक बॉल लिया है, थोड़ा सा कटोरी में पानी लिया है बॉल में। उसके बाद हम जब देखिए, जैसे आपने डाला ना, ये देखिए जब ये पानी में तैरने लगी तो आपको पता चलना चाहिए कि ये ऊपर ही तलेगी। देखिए गाइस, ये सारे ऊपर आ गया, और चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए कितना परफेक्ट। अब पता चल जाएगा कि हमारी पकौड़ी बनकर तैयार हो जाएगी, सॉफ्ट स्पंजी। चलिए अब हम इसको यहाँ पर थोड़ी सी छोड़ देते हैं। अब हम इसको फेंट लिए, अब हम एक दूसरी बॉल ले लेते हैं, क्योंकि फिर एक बेसन में कढ़ी का वो तो पकौड़े के लिए हो गया, और कढ़ी के लिए हम घोल तैयार करेंगे। हमने इसमें यहाँ 1 कप बेसन लेना है, ज़्यादा नहीं, और तकरीबन आपके पास ये 2 कप दही होना चाहिए। दही ज़्यादा हो, बेसन कम, ध्यान रखें। और दही खट्टी होनी चाहिए, हमारे पास 3 दिन का है, 2 दिन का है, खट्टी होनी चाहिए गाइस, ये ध्यान हमेशा रखें आप। देखिए हमने कितना दही ले लिया, दही खट्टी होनी चाहिए तभी कढ़ी का मज़ा आता है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, नमक, कढ़ी के लिए बना रहे हैं ज़्यादा, थोड़ा डालेंगे नमक, और ये हल्दी जाएगा, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी गरम मसाला, बस थोड़ी सी। उसके बाद इसको पानी डाल के, पहले कम पानी डाल के घोल तैयार कर लें, ताकि एक भी दही का उसमें टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, थक्कापन नहीं रहना चाहिए, आपस में बेसन के साथ वो मिक्स हो जाए। इतना आपको घोल लेना है।
पहले ही पानी डाल दीजिएगा तो आप मिक्स नहीं कर पाइएगा, ध्यान दीजिएगा इसका। ये देखिए आपस में कुछ इस प्रकार मिक्स हो गया, आप देख पा रहे हैं ना, तो दही का टुकड़ा दिख रहा है, आराम से मिल गया। अब हम इस वक्त उसमें पानी डाल देंगे, एक घोल इसको तैयार कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। चलिए अब हम पकौड़ा को तल लेते हैं, हमको उसको रेस्ट करने के लिए नहीं देना है, इसीलिए हमने पानी में चेक करके बताया था, क्योंकि हमने जो उसको फेंटा था ना जो, इसीलिए हम झटपट इंस्टेंट बना रहे हैं ना कढ़ी, इसलिए हमको उसको किसी को रेस्ट करने नहीं देना है। चलिए अब हम कढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे सरसों तेल, पकौड़े तलने के लिए इतना तेल हम उसमें नहीं डालेंगे तड़के में। तेल हमारा गर्म हो चुका या नहीं कैसे पता लगेगा, ये देखिए, देखिए जब हम इसमें डाल रहे हैं पकौड़े का पेस्ट तो ये अपने आप ऊपर आ गया, इसका मतलब हमारा पकौड़े तेल गर्म हो चुके हैं। चलिए इसे निकाल लेते हैं। तेल का जब आप तेल में डालें पकौड़े तो गैस की फ्लेम मीडियम रखें, तो चलिए आप हाथ गीला कर लें और हाथ के सहारे से जैसा मन से आकार डाल सकते हैं, छोटे बड़े आप पे डिपेंड करता है, चाहे तो आप हाथ से नहीं डाल पाते हैं तो आप चम्मच से भी डालिए। चाहे तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं जैसे बढ़िया बनाते हैं, मन से आकार का आप डाल सकते हैं, चाहे तो स्पून से भी डाल सकते हैं। हमने सभी पकौड़ों को डाल दिया है, अब इसे सुनहरे, लाइट सुनहरे तक पकाना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। चलिए सभी को इस टाइम में, इस स्टेज में हम पलट देते हैं ताकि दूसरी साइड भी पक जाएगी आराम से। देखिए आप कितना फूले फूले एकदम से फूल गया कढ़ाई में तेल डालने पर, तेल में। सभी को पलट देते हैं एक बार ताकि आपस में दोनों साइड पक जाए। आपने देखा कि जब हम तेल में डालें तो कितना अच्छे से ये फूले फूले पकौड़े बन रहे हैं। तो चलिए हम इसे बना के फिर कढ़ी में डालते हैं। चलिए ये देखिए पकौड़े बनकर हमारा तैयार हो गया, आपको इसी कलर में आपको निकाल लेना है। चलिए सारे पकौड़ों को हम इस तरह, कुछ हमने इस तरह का जो छन्नी लिए हैं इससे क्या होता है ना, तेल सारे निकल जाते हैं, नहीं तो पकौड़े के साथ तेल चला जाता है। थोड़ी सी किनारे में साइड लगा के इसे निकाल लीजिए सभी पकौड़ों को। पकौड़े हमने तल लिया है, अब इतना जो तेल है हम इसे निकाल लेते हैं, इतने तेल में कढ़ी नहीं बनाते हैं। तेल हमारा गर्म था ही, हम डालेंगे मेथी 8-10 दाने तकरीबन, इसे स्वाद काफ़ी आता है कढ़ी का। मेथी हमने इसे पहले डाला, अगर आप बाद में डालेंगे ना तो ये कड़वी लगेगी, ध्यान रहे इसे थोड़ी पकने देने है आपको। मेथी हमारी आधी पक चुकी है, अभी इस स्टेज में हम जीरा डाल देंगे। जीरा भून चुकी है, अब हम डालेंगे हींग। डालेंगे हम अनियन, चाहे तो आप अनियन नहीं भी डाल सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं, हमारे यहाँ अनियन वाली कढ़ी है, सबको अच्छा लगता है, पसंद आती है। प्याज को हमें भून लेना है, प्याज हमारी आधी भून चुकी है, इस स्टेज में हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च। आप सोच रहे होंगे इस स्टेज में क्यों, इसलिए कि लाल मिर्च जो है जल्दी पक जाती है, अभी हम थोड़ी सी इसे चला लेंगे वो पक जाएगी। और दो कड़ी पत्ता का हमने डंडियाँ अपने गमले से तोड़ के लाई थी, एक अभी इस वक्त डाल देते हैं, एक तड़के में डालेंगे, दोबारा जब तड़का लगाएंगे ना तो डाल देंगे। अब जो गैस है, ये जो हमने घोल तैयार कर लिया था उसको हमें इस पे वक्त डाल दें, गैस की फ्लेम स्लो रहनी चाहिए नहीं तो फट जाएगी, क्योंकि दही डली हुई है, सारे हमने इसमें डाल दिया।
अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू इसे चलाते रहना है, क्योंकि हमने आप दही डाल चुके हैं। अगर आप छोड़ के चले जाएंगे ना चाहे तो, या तो गैस की फ्लेम जो फुल कभी नहीं करना है, नहीं तो फट सकती है आपकी कढ़ी। हमेशा इसको चलाते रहना है। ये देखिए कढ़ी में उबाल आ चुकी है। अब हम इसमें सारे पकौड़े डाल देंगे। पकौड़े देखिए कितना परफेक्ट, ये देखिए कितना जालीदार बना है, आप देख रहे हैं कितना स्पंजी बना है। चलिए हम सभी पकौड़ों को तकरीबन डाल देंगे। और इसको बिल्कुल गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, ध्यान रहे, क्योंकि हमने बार बार बोल रही हूँ दही डाले हैं, खट्टी दही है तो इससे फट सकती है अगर आप फुल फ्लेम करेंगे तो। चलिए इसे हमें इसे ढक के पका लेते हैं। ये देखिए कढ़ी बनकर हमारा तैयार हो गई है। अब हम इसे तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए हमने एक लिया है तड़का पैन, हमने लिया है घी, तकरीबन एक चम्मच घी। हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, जीरा हमने पहले ही डाला था, थोड़ा सा डालेंगे और डालेंगे एक सूखी लाल मिर्च और डालेंगे कड़ी और गैस का फ्लेम ऑफ करके अब डालेंगे ये कश्मीरी लाल मिर्च जो हमारा बढ़िया सा कलर देगी। चलिए हम इसे तड़का लगा देते हैं। ये देखिए तड़का कुछ इस प्रकार तैयार, कड़ी बनकर हमारा तैयार हो गया है। देखिए कितना बढ़िया कलर है, आपने देखा कड़ी बनकर झटपट तैयार हो गई। आप भी इसी तरह बनाइए, जब भी हर घर में बेसन तो होता ही है, बस खट्टी दो तीन दिन दही होना चाहिए और उसके बाद झटपट बनकर तैयार हो जाती है बिना तामझाम का। और इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं। हम यहाँ थोड़ी सी इसे धनिया से गार्निश करते हैं। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।